एक महीना होगा ना तो काम को तो। अच्छा हाँ एक महीना होगा, 60-65 पुतले है ये पूरे जम्मू में घूमते हैं। अच्छा हाँ सारी जम्मू में सारी कॉलोनी में देखते हैं। पुतले तैयार कर रहे हो आप? 65 पुतले तैयार कर रहे हो। तो सबसे बड़ा पुतला जो बड़े बड़े पुतले हैं वो कितने हैं? जम्मू परेड में। परेड में हाँ। जय माता दी। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस वक्त हम जम्मू के गीता भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दशहरे को लेकर लगातार तैयारियां यहां पर चल रही हैं। हालांकि अभी तो नवरात्रे हैं लेकिन उसके बाद दशहरे के दिन जिस तरह से रावण को जो है वो जलाया जाता है और उस बीच आप देख सकते हैं कि यहां पर तैयारियां जो है वो दशहरे को लेकर लगातार तैयारियां यहां पर चल रही हैं और किस तरह से रावण को यहां पर बनाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस वक्त यहां पर अपने अपने काम में यहां पर जुटे हुए हैं। भाई साहब आप क्या बना रहे हैं? रावण बना रहे हैं। तो अभी कितना टाइम और लग जाएगा इसको? अभी 2 दिन लग जाएगा और पूरा तैयार होने में, सारा सामान पूरा तैयार होने में। तो अभी कितने दिन से इसको बनाते हुए होगे? इसमें लग जाएगा कम से कम 1 महीना पूरा। 1 महीना पूरा? हाँ। तो देख मतलब आप 1 महीने से पहले से बना रहे हैं? हाँ 1 महीने से बन रहे हैं। देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने अपने काम में यहाँ पर जुटे हुए हैं। भाई साहब आप क्या बना रहे हैं? ये रावण को? ये रावण का धड़ है। रावण का धड़ है जी। तो कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में? पूरे 1 महीने से मेहनत लग रही है इसमें। अभी तक तैयार नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। और कितने दिन लग जाएंगे? 1-2 दिन और लगेगा, उसके बाद दशहरे में फूटेगा उसे। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे रावण यहाँ पर बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और इस दिन दशहरे के दिन जिस तरह से पहले तो कोविड की वजह से इतने अच्छे तरीके से नहीं बनाया जाता रहा, लेकिन इस बार तो कोविड का भी कोई किस तरह का इतना खतरा जो है वो नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों को गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखना होगा। और इस बीच आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रावण को तैयार किया जा रहा है। आपने रावण को बने हुए देखा होगा लेकिन किस तरह से उसे शुरुआती दौर में बनाया जाता है वो आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो चलती हुई। और भाई साहब क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी क्या बना रहे हैं? ये रावण का कौन सा हिस्सा क्या बना रहे हैं? पांव बना रहे हैं, टांग बना रहे हम इसकी। टांग बना रहे हैं? तो आप सिर्फ टांग ही बना रहे हैं और भी कुछ आपको दिया गया बनाने? अभी टांग बना रहे हम तो फिलहाल। कितना टाइम लग गया बनाते हुए इसको? 1 महीना हो गया मान। 1 महीना हो गया। तो कितना मुश्किल होता है ये बनाना? बहुत मुश्किल है। कैटा का काम है जी। तो देख भाई साहब एक और भी है मेरे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ये क्या चीज है पहले ये समझाएं, ये क्या चीज है? ये पानी। पानी इसके बीच और क्या डाला गया? ये है चिपकन। चिपकन? अच्छा हाँ। तो इसमें लग रहा है पैर में। तो फिर आपको कितनी देर हो गई ये बनाते हुए पूरा? सवेरे से बन रहे हम तो। एक महीना होगा ना तो काम को तो। अच्छा हाँ 1 महीना होगा। 60-65 पुतले है ये पूरे जम्मू में घूमते हैं। अच्छा हाँ सारी जम्मू में सारी कॉलोनी में देखते हैं। पुतले तैयार कर रहे हो? 65 पुतले तैयार कर रहे हो। तो सबसे बड़ा पुतला जो बड़े बड़े पुतले हैं वो कितने हैं? जम्मू परेड में। परेड में हाँ। कितनी मेहनत लगती है? 1 महीना पूरा। देख सकते हैं ये तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मेहनत में जुटे हुए हैं और रावण के 65 पुतले यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा पुतला जो है वो जम्मू के परेड में फूका जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे पूरे तरीके से बुना जा रहा है, इस वक्त बनाया जा रहा है। और ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अपने अपने काम में यहाँ पर जुटे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कितनी मेहनत इनको लग रही होगी इस वक्त एक एक चीज को जोड़ना, और बाद में कहीं ना कहीं आप सब लोगों के सामने ये पूरा रावण का पुतला जो है वो बनकर तैयार होकर जो है वो आप सबके सामने आएगा। क्या नाम है सर आपका? इन सब लो। जी जी आपका क्या नाम है? राम शर्मा। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या बना रहे हैं आप? रावण का कौन सा हिस्सा है? रावण का पेट बना रहे हैं। रावण का पेट बना रहे हैं? कितनी मेहनत लग रही है इसको बनाने में? कितने दिन हो गए ये तैयार करते हुए? 1 महीना हो गया सर। 1 महीना हो गया। तो कितने पुतले बनाए अब तक आपने अपने हाथों से? यही बनाया। एक बनाया। टोटल कितने बनाए? 70 बना रहे हो? हाँ जी। देख सकते हैं ये रावण का पेट बना रहे हैं। और यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे लेकिन उससे पहले का ये आप देख सकते हैं जो रावण के पुतले बनकर तैयार हो गए हैं वो आप देख सकते हैं इन लोगों ने तैयार किए हैं। और लगभग 70 रावण के पुतले जो है वो यहाँ पर गीता भवन में तैयार किए जा रहे हैं और दशहरे के मौके पर अलग अलग जगहों पर ये पुतले जो है वहाँ पर फूके जाएंगे।